कहते हैं ना, बॉलीवुड में दोस्ती नाम की कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन इन स्टार किड्स ने तो इस बात को झूठा साबित कर दिया। सुहाना, अनन्या और शनाया, ये तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। ये तीनों हमेशा साथ में पार्टियां करती हैं। सुहाना खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ये एक दूसरे की BFF है। अनन्या और सारा की दोस्ती के किस्से तो बॉलीवुड गलियारों में छाए रहते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी जहां सारा 3 साल सीनियर थी। अनन्या ने कहा, सारा का स्वभाव बहुत ही बड़बोला था, वो स्कूल में सभी से बातें करती रहती थी, मैं शर्मीली थी इसलिए सारा को देखकर थोड़ी घबरा जाती थी। स्कूल के दिनों को याद करते हुए अनन्या ने कहा, सारा का व्यक्तित्व बहुत दमदार था, वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, अगर वो कहीं दिख जाए तो ऐसा लगता कि जैसे पूरा स्कूल उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वो कुछ भी कहती तो सब सुन लेते, लेकिन साथ ही वो इतनी बेबाक थी कि कभी कभी लोगों को अजीब भी लग जाती थी। अनन्या ने बताया कि सारा की वजह से वो कितनी परेशान रहती थी, उन्हें लगता था कि सारा किसी भी वक्त उनके बारे में कुछ बुरा कह सकती है, इसलिए वो सारा से दूर रहती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सारा ने कभी उनकी रैगिंग की, तो अनन्या ने जवाब दिया, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनन्या ने ये भी बताया कि सारा को उनका नाम तक नहीं पता था, एक प्ले में दोनों साथ थी लेकिन सारा उन्हें सिर्फ ए गर्ल कहकर पुकारती थी। कॉफी विद करण के उस एपिसोड में अनन्या और सारा की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। दोनों ने ना सिर्फ अपने करियर के बारे में बात की बल्कि एक दूसरे के बारे में ऐसे राज खोले कि हर कोई हैरान रह गया। ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानती है, ये उस शो में साफ नजर आ गया था। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहिया टॉक को सब्सक्राइब करें।